आमंत्रित करना चाहूंगी नवीन सिंह प्लास्टिक 2008 कुछ कहना चाहूंगी नवीन जी आ, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं जहमत उठा कर आप जो तशरीफ लाए हैं आंखों की क्या बिसात हमने पल के बिछाई है क्या नवीन नवीन के लिए ये टाइम थोड़ा वैसा रहता है तो नवीन एक बहुत कोशिश करके आते नवीन क्या टाइम हो रहा है अभी मैं घड़ी नहीं रखा हूँ सही घड़े क्या हो रहा है मैम ऐसे ए, वीर रस के हैं इनको वीर रस का काट नहीं आएगा क्या जाएंगे सर ये <laughs> श्रृंगार में भी वीर रस घुसेड़ देते हैं <laughs> अरे नहीं। का, नहीं। का है कुछ भी लेकर आएगा शायरी की ये खूबसूरती है जी जी अरे पृथ्वीराज चौहान है वीर रस ही श्रृंगार रस की रचना करते हैं लीला मैम ऐसे आमंत्रण देंगे तो सही में आ जाएंगे <laughs> <laughs> तो न, नवीन ने भी एक शिव स्त्रोत वो बनाया था और वो इतना सुंदर था कि मतलब मैंने तो बहुत बार सुना उसको धन्यवाद मैडम तो सबसे पहले काशी की धरती ज्ञान की धरती से जुड़े मेरे गुरुजी श्री अरविंद कुमार सिंह को मैं प्रणाम करता हूं और अपने समस्त एच परिवार के सीनियर्स मित्रों और जूनियरों को नमस्कार शुरू करता हूं मैं आज ब्रजबाला मैडम उन कोरोना से ग्रसित हैं उनको मैं मिस करते हुए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए दो लाइनें उनके उत्साह वर्धन में लिखता हूं दुआ का असर तब से है दुआ दुआओं का असर तब से है जब से दवा का नाम न था सजदे में सजदे में सर इतने झुके उसको पता चला आपको छूना आम न था अच्छा तो, तो मैं आवाहन करना चाहूंगा कि सभी लोग प्रार्थना करें कि मैं, मैडम शीघ्र स्वस्थ और हमारे साथ कवि सम्मेलन में जौ, करें। बिल्कुल, तो अगली का, अगली मेरी जो कविता है वो है इसी साल दिल्ली में दंगे हुए थे तो देखिए दंगे जब भी होते हैं तो नुकसान मानवता का होता है तो इससे पहले मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये लिखना है जो और बहुत ही ज्वलंत विषय है लोग बोलते हैं कि यह साफ करना चाहूंगा कि मैं न तो हिंदू हूँ न तो मुसलमान हूँ सुन मेरे दोस्त हसोगे तो तब जब दिल्ली में रहोगे दक्षिण कोरिया में उसको तो क्या फसल मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूँ अः मेरे दोस्त मैं हिंदुस्तान हूँ तो लाइनों के साथ मैं शुरू करता है। आ, आ. कौन जीता कौन हारा कौन जीता कौन हारा कौन भारी कौन ओछा कौन जीता कौन भारी कौन हारा कौन भारी कौन ओछा एक कब्र ने चिता से प्रश्न मौन पूछा एक कब्र ने चिता से प्रश्न मौन पूछा मानव मानव भस्म हुआ मानवता दफ्न हुई मानव भस्म हुआ मानवता दफ्न हुई शौर्य को भ्रम कुर्बानी को वहम हुई शौर्य को भ्रम कुर्बानी को वहम हुई आज किसी का छत विक्षत है किसी का आंचल आहत है किसी का छत विक्षत है किसी का आंचल आहत है कहीं पर पड़ा है आंसुओं का आकाल कहीं पर पड़ा है आंसुओं का आकाल कहीं पर पसरा है रुदन विकराल कहीं रोशन कहीं सब रोशन चिराग बुझे हैं कहीं सब रोशन चिराग बुझे हैं कहीं बस करकश अंधेरा सूझे है हर माटी लहूलुहान है हर माटी लहूलुहान है पूछती है कौन रंग बलवान है पूछती है कौन रंग बलवान है क्या बात है सर क्या बात है सुलगती आत्मा भटकती आत्मा भटकती आत्मा नेता से पूछे जो असली गुनाहगार है भटकती आत्मा नेता से पूछे कोहराम में हमें झोंक आप नहीं सूझे वहां बैठकर तख्त पर ले रहे हैं चैन दोजक भेजकर भेज कर दिए हैं हमें बेचैन बिजली पानी का चारा डाला थोड़ा सेंसिटिव मैटर है जैसा मैंने कहा था लेकिन यह निष्पक्ष में बात करता हूं बिजली पानी का चारा डाला पर सांसों पर काल का पहरा डाला सासों पर काल का पहरा डाला सड़कें रेलें खूब बिछाई पर हस्तरेखाओं में बेड़ियां पहनाई पछताता हूँ पछताता हूं मैं पुनर्जन्म यदि पाऊंगा नाग नकाब तुम्हारा उतारूंगा मानव स्मिता बचाने को तुमसे जवहर करवाऊंगा तुमसे जवहर करवाऊंगा अब है धर्म राजा प्रजा रक्षा धर्म राजा राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का रक्षा करे धर्म राजा रक्षा निभा न सके तुम सच्चा तुमने तो पढ़ा था विज्ञान जो लेते रत्ती भर संज्ञान तुम या, तुम या तुम खून खेल न खेले होते तुम या खेल न खेले होते जो तेल तीली हवा का मेल न होने देते विज्ञान है एयर हवा और ईंधन होना चाहिए और उसमें चिंगारी होनी चाहिए तुम यह खूनी खेल न खेले होते जो तेल तीली हवा का मेल न होने देते जहां देखी नन्ही चिंगारी नित्य फूंक मिलकर मारी जहां देखी नन्ही चिंगारी नित्य फूक मिलकर मारी तिल का ताड़ बनाया तुमने, राय का पहाड़ बनाया तुमने तिल का ताड़ बनाया तुमने राय का पहाड़ बनाया तुमने कुटिल होलिका बन बैठे सतयुग की बात कुटिल होलिका बन बैठे सुजन प्रहलाद गोद ले बैठे किंतु यह सतयुग नहीं कलिकराल है किंतु यह सतयुग नहीं कलिकराल है होलिका हसी है और प्रहलाद का काल है यह घोर कलयुग है अंतिम लाइनों में एक मैसेज है ताकि हम जो है हेट से दूर हटें और प्रेम फैलाएं। तो असत्ता के मतवालों असत्ता के मतवालों जरा इतिहास उठा लो नफरत के बीज से जो पेड़ तना होता है नफरत के बीज से जो पेड़ तना होता है फलते हैं फलते हैं मगर जहर घना होता है क्योंकि ज्वालामुखी जो अंगारे सींचता है ज्वालामुखी जो अंगारे सींचता है एक दिन अपनी ही धरती को चीतता है तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत अच्छा बहुत, बहुत अच्छा।, अच्छा भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा नवीन बहुत अच्छे नवीन वेरी गुड और लाइन बोलना चाहूंगा अगर पीयूष आज्ञा दें जी सर स्वागत है सर सर मचा रखा है तूफान को सिरफिरे लोगों ने मचा रखा है तूफान को सिरफिरे लोगों ने कहीं दंगा तो कहीं आतंक मचा रखा है कहीं नोचते हैं वैसी जिस्म और रूह कहीं नोचते हैं वैसी जिस्म और रूह फिर जमी को दो खज दो जख बना रखा है क्या बात है सर बहुत खूब सर कुछ समझ नहीं आती कुदरत की चाल कृष्ण कुछ समझ आती नहीं कुदरत की चाल कृष्ण इंसान इंसान का कत्ले आम करा इस नाम ने इंसान का आम करा रखा है क्या बात है सर थैंक यू थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद नवीन